हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ग्रेविटेशन की बात करेंगे। ग्रेविटेशन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है और इसमें से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। ग्रेविटेशन में जिन फंडामेंटल पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे, आपको उन पॉइंट्स को बहुत केयरफुली समझना है और उन्हीं पॉइंट्स को यूज करके फिर आपने जो डिफरेंट क्वेश्चंस बनते हैं कॉम्पिटिशन में, वहाँ पर अप्लाई करके अपने करेक्ट आंसर को देना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशन, एज यू नो, ग्रेविटेशन स्टैंड दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स। कोई भी टू बॉडीज हमारे पास हैं यूनिवर्स की, तो उनका अपना मास है, एक का मास एम वन है, एक का मास एम टू है, उनके बीच का डिस्टेंस आर है। तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट होता है, जिसको कि हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। एंड दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। ये बहुत बेसिक रिजल्ट है। जहां पे जी हम यूज करते हैं, इट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। इसको यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलना होता है क्योंकि इसका वैल्यू मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। यूनिवर्स में हम कहीं पर भी टू ऑब्जेक्ट्स को रख दें तो उनके बीच का ग्रेविटी का फोर्स सेम रहता है। इसकी वैल्यू आती है 6.67 इंटू 10 इस पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। इट वॉज गिवन बाई साइंटिस्ट कैवेंडिश कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर है, ये नेचर का वीकेस्ट फोर्स है और स्ट्रॉन्गेस्ट जो फोर्स होता है वो न्यूक्लियर फोर्स होता है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके बनते हैं कॉम्पिटिशन लेवल पे, वो किस तरह से बन सकते हैं? तो बेसिकली कोई भी क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछा जा सकता है कि आपके पास टू स्फीयर्स गिवन है एंड दीज टू स्फीयर्स आर टचिंग ईच अदर। दोनों इस पर कॉपर के बने हुए, बोथ आर मेड अप ऑफ कॉपर। इसका मास भी m है, इसका मास भी m है, दोनों का रेडियस सेम है, इसका रेडियस भी r है, इसका रेडियस भी r है। देन क्वेश्चन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज r इज f इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन इज f इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r इज पावर 3, सी ऑप्शन इज f इज प्रोपोर्शनल टू r इज पावर 4 एंड डी ऑप्शन इज F is proportional to R is power 4। आपके पास चार ऑप्शन है, आपका क्वेश्चन है which one is the correct option। Now think it। तो आपने इस क्वेश्चन को सोच लिया होगा और इसका आंसर आपने निकाल दिया होगा। तो यो आंसर, जो भी आपका आंसर होगा वो आपके पास है। अब चलो चेक करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि आपका आंसर सही है कि गलत है। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है कि F is proportional to 1 upon R square is the correct answer, क्योंकि जो फोर्स होता है F is equal to G M N M 2 by R square और इनके बीच का डिस्टेंस आपने लगा करके अपना आंसर दे दिया है। लेकिन एक बार अब इस क्वेश्चन को हम दोबारा एनालिसिस करेंगे। इसका एनालिसिस ये होगा कि F is equal to G M 1 M 2 by R square। R square कितना है यहाँ पे? 2R है, क्योंकि दोनों स्फीयर्स के बीच का डिस्टेंस, इसका रेडियस है, इसका रेडियस R है, ये डिस्टेंस 2R हो जाएगा। इट बिकम हियर G M square by 4R square। यहां से देखते हैं F is proportional to m square by r square। इस तरह का रिजल्ट आया है। तब एक बार आपको सोचना पड़ेगा कि जो रिजल्ट्स आपको गिवन है, जो आंसर्स आपके पास है, उन सभी आंसर्स में आपके पास r, व्हिच इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस, वो भी है और एज वेल एज रेडियस भी है यहां पे। तो थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा कि जो ये मास m है, क्या इसके अंदर कहीं ये r तो नहीं है? इसको चेक करना पड़ेगा आपको। यू नो वेरी वेल, मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। Mass equal to volume into density. Volume, you know very well, 4 by 3 pi r cube into density rho. Means mass is proportional to r cube. The m की value proportional to r cube आ रही है। आप ये value put कर दीजिए। m proportional to r cube, its whole square upon r square. तो आपका answer बन जाएगा r raised to power 6 upon r square. Solve करके आएगा r raised to power 4. In this way, correct answer is D. D is the correct answer. इस तरह से आपको किसी question में हल्का सा डीपली सोचना पड़ेगा। ये क्वेश्चन सिर्फ जब हमारे पास आइडेंटिकल बॉडीज गिवन है तभी ये क्वेश्चन वैलिड है, अदरवाइज तो बेसिक आपका आंसर वही रहेगा f is proportional to 1 upon r square। इट इज वन ऑफ द यूनिक क्वेश्चन। जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन हमारा बनता है कि आपके पास जो डिफरेंट मासेस गिवन है उनमें से किसी एक मास पे नेट फोर्स कितना लग रहा है वो आपने कैलकुलेट करना है और उस फोर्स की वजह से जो बॉडीज हैं वो सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रही हैं। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन बनता है ये। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपने दिमाग में रखना है।
यहाँ पे सिंपलेस्ट तरीके में आपको दे रखा है, एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, इनके बीच का डिस्टेंस आपको गिवन है 2r. 2r इज द सेपरेशन बिटवीन देम. दीज टू बॉडीज मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ विद द मिड पॉइंट एज देयर सेंटर, ये रेडियस इसकी r हो जाएगी. अब ऐसी सिचुएशन में क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ वन ऑफ द बॉडी हियर, ईच पार्टिकल जो ईच बॉडी है उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा. इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपलेस्ट तरीके से देखें कि किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथ में रोटेट करने के लिए सेंट्रीपेटल फोर्स की जरूरत पड़ेगी. इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर की तरफ जरूर कोई फोर्स एक्ट हो रहा होगा. यहाँ पे ये जो मास m1 है, ये फर्स्ट मास है, सेकंड मास है, ये भी m है, जो वन मास है ये सेकंड मास को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा. तो जो अट्रैक्शन का फोर्स होगा दिस वन, इट विल बी एक्टिंग टुवर्ड सेंटर एंड दिस attraction force behave as centripetal force. The F centripetal become here F attraction. F centripetal is mb square by r. It is r hai. Aur F attraction kitna ho jayega? G m1 m2 by distance square is 2r. It's whole square. To yahan se hum iska velocity calculate kar sakte hain. Yahan se dekhenge b square by r is equal to g m by 4r square. To yahan se hum solve karke answer aata hai hamara v square is equal to g m by 4r. And is your v is equal to 1 upon 2 under root gm by r. इस टाइप से क्वेश्चंस आपके और भी बन सकते हैं. ये जो एग्जांपल आपने यूज किया है, डिस्कस किया है, ये यूज किया है हमने टू मासेस के लिए. सिमिलरली अगर बाय द वे आपको थ्री मासेस गिवन है तो उस केस में फिर क्या हो जाएगा कि आपको ऐसी सिचुएशन में कि नेट फोर्स एक सिंगल मास पे निकालना पड़ेगा. इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, एक मास यहां पर है, एक मास यहां पर है, ये जो मास 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो मास 1 और मास 2 मास 3 को फोर्स एक्ट करेंगे लाइक दिस. इसका रिजल्टेंट कहां जाएगा, जो इसका सेंट्रोइड है ट्रायंगल का, इसकी तरफ आएगा. तब आपको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर ये सॉल्व करके फिर जो फोर्स आएगा वो फोर्स रिजल्टेंट फोर्स का काम करेगा और वही सेंट्रिपिटल फोर्स बन जाएगा. मींस एफ सेंट्रिपिटल बिकम इक्वल टू एफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन. तो एफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन अगर आप ध्यान से सॉल्व करेंगे तो इट बिकम हियर एफ रूट 3, जहां एफ क्या है, फोर्स ड्यू टू सिंगल पार्टिकल है. इसका साइड डेटेड भी ए है, ये ए है, एक आपके पास एक मास यहाँ पर है, आपके पास एक मास यहाँ पर है. इस पे हमें फोर्स को स्टडी करना है. एक फोर्स यहाँ लग जाएगा, एक फोर्स यहाँ लग जाएगा, फोर्स एफ इज हियर, फोर्स एफ इज हियर, इनके बीच का एंगल यू नो वेरी वेल, दिस एंगल इज 60 डिग्री. अब इसका रिजल्टेंट ये आ जाएगा. अब जो वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला होता है आपका, आपने यूज किया एफ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ1 स्क्वायर प्लस एफ2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एफ1 एफ2 cos 60. ये सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा, जो एफ डैश रिजल्टेंट फोर्स आएगा, ये F1 F2 दोनों इक्वल है यहाँ पे, सॉल्व करके आएगा ये F रूट 3 और F कितना है हमारे पास, G M1 M2 by A square root 3. यो आंसर कम्स आउट टू बी G M2 by A square root 3 एंड दिस बिकम इक्वल टू सेंट्रिपेटल फोर्स. सेंट्रिपेटल फोर्स यू नो वेरी वेल M V square by R. यहाँ से हम V को कैलकुलेट कर सकते हैं. इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास बनते हैं. तो आपको इस टाइप का क्वेश्चंस टू मास सिमेट्री, थ्री मास सिमेट्री, फोर मास सिमेट्री, इस तरह से पूछा जा सकता है. नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा बनता है दैट इज ग्रेविटी. ग्रेविटी इज द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट ईच एंड एवरीथिंग टुवर्ड्स इट्स सेंटर. अर्थ हर बॉडी को, कोई मास बॉडी है, अर्थ उसको अपने सेंटर की ओर खींचती है. अर्थ का मास एम है, यहां पर कोई बॉडी है, अर्थ डेफिनेटली उसको अपने सेंटर को खींचेगी. अर्थ उसको अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करती है. That is called the gravity here. जो अर्थ के फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन बॉडी को मिल जाता है, that is called acceleration due to gravity g. और g का जो बेसिक फॉर्मूला होता है, it is here gm by r square. ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, acceleration due to gravity, g is called gm by r square. यहां पर आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो g acceleration due to gravity है, या तो ये मास के टर्म में एक्सप्रेस हो, या फिर हम अर्थ के मास को चेंज कर दें तो मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. तो वॉल्यूम इनो वेरी वेल 4/3πr³, ये वॉल्यूम हो गया अर्थ का, और डेंसिटी रो, ये वैल्यू यहां पुट करेंगे तो जी कम्स आउट टू बी 4/3πgr. तो आपका जो प्रॉब्लम बनता है कॉम्पिटिशन लेवल पे, वो इस टॉपिक बेस्ड बनता है एज वेल एज इस टॉपिक पे बेस्ड बनता है. तो दोनों रिजल्ट आपको याद होने चाहिए. अब यहां पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो अर्थ सरफेस से अगर हम हाइट पे जाते हैं तब भी चेंज होता है, और बिलो अर्थ सरफेस जाते हैं
तब भी चेंज होता है। अगर हम इफेक्ट ऑफ हाइट की बात करते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ इज आर, मास ऑफ अर्थ इज एम, और यहां से एच हाइट पे हमें इसको डिस्कस करना है। अब अर्थ सरफेस हाइट कितनी है, एच है। इसका जो रिजल्ट बनता है, इट इज हियर जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, इज द डायरेक्ट रिजल्ट हियर। अब जानते हैं जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, आप इसको इजिली चेक कर सकते हैं। अब यहां पे एक बात आपने जो दिमाग में रखनी है वो ये है कि ये रिजल्ट तब लगेगा जब हमारे पास जो एच की वैल्यू है वो आर के कंपेरेबल हो, एच की वैल्यू बहुत ज्यादा है, ये एग्जैक्ट रिजल्ट हमारे पास है। एक रिजल्ट आपने ये भी याद रखना है अपने सिंप्लिसिटी के लिए, अगर एच का वैल्यू हमारे पास आर बाई टू दे रखा होता है तो उस टाइम पे जी डैश बाई जी ये सॉल्व करके आता है 4/9, ये रेशियो आपने याद रखना है। एक कॉमन सा क्वेश्चन इस पे आपके कॉम्पिटिशन लेवल पे बन जाता है। उसके बाद अगर हम ये देखें कि एच की वैल्यू आर से बहुत छोटी है तो उस कंडीशन में आर रेडियस ऑफ अर्थ हमारे पास होता है 6.4 इंटरनल पावर 6 मीटर, जो एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा है, और एच का वैल्यू बहुत कम है इसके कंपैरिजन में, तो उस केस में जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू 1 - 2h/r। ये दो रिजल्ट आपको इफेक्ट ऑफ हाइट के याद रखने। लेट मी डिस्कस इफेक्ट ऑफ डेप्थ। अगर हम अर्थ के इनसाइड जाते हैं तो अर्थ के इनसाइड जाने पे भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू चेंज होता है, उसका डायरेक्ट रिजल्ट हम यूज कर सकते हैं जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू 1 - d/r, यानी जी एट सेंटर इज इक्वल टू 0। इस तरह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू सेंटर ऑफ अर्थ पे 0 होती है। अगर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी का वेरिएशन अब डिस्टेंस के हिसाब से ड्रॉ करें अर्थ के लिए, तो आपने देखा कि इसकी नेचर जो आती है वो इस तरह से आती है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की मैक्सिमम वैल्यू है वो उसके सरफेस पर होती है, आर इज इक्वल टू आर इस सरफेस पे होती है, अरे वैल्यू होती है जी एम बाई कैपिटल आर स्क्वायर। इनसाइड अगर हम देखें तो इनसाइड रिजल्ट होता है हमारा जी इज प्रोपोर्शनल टू आर, और आउटसाइड होता है जी प्रोपोर्शनल टू 1/r². नेक्स्ट जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे इफेक्ट पड़ता है वो पड़ता है रोटेशन ऑफ अर्थ का। अर्थ के रोटेशन की वजह से जो पोल हमारे पास है और जो इक्वेटर हमारे पास है अर्थ का, यहाँ पे जी की वैल्यू डिफरेंट हो जाती है, और जी का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो पोल पे होता है। तो उसको समझने के लिए लेट इट बी हमारे पास ये कोई पोजीशन है, ये कोई पॉइंट है, ये पॉइंट पी है, और इसका जो लेटिट्यूड पोजीशन है वो लेटिट्यूड एंगल यहां से ये लैम्डा है, ये किसी पर्टिकुलर लेटिट्यूड पे सिचुएटेड है। तो इस लेटिट्यूड पे जो जी की वैल्यू होती है वो होती है जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा, जहां लैम्डा क्या है इसका लेटिट्यूड एंगल है। तो अगर आप ढंग से देखेंगे, अगर मैं पोल की बात करता हूं तो पोल पे जो लैम्डा होगा वो ऑटोमेटिकली 90 हो जाएगा, तो उस सिचुएशन में कॉस 90 जीरो होता है, और ये वैल्यू अगर जीरो हो गई है तो जी एट पोल इट बिकम जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर इंटू जीरो, तो आपका आंसर आ जाएगा जी एट पोल इज इक्वल टू जी। अब इसी तरह से अगर आप इक्वेटर पे फाइंड आउट करना चाहते हैं, इक्वेटर पे आप अच्छी तरह देख सकते हैं यहाँ पे जो ये लैटिट्यूड एंगल लैम्डा है ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमें यहीं पे पढ़ना है इक्वेटर पे, लैम्डा जीरो डिग्री आ जाएगा, उस सिचुएशन में जी एट इक्वेटर बिकम जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। यहां से अगर इन दोनों रिजल्ट्स को हम बहुत केयरफुली देखते हैं तो जी एट पोल माइनस जी एट इक्वेटर इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, तो ये दोनों का जो डिफरेंस होता है वो कितना है, आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। यहीं पे हमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिमाग में रखना है, वो पॉइंट ये है कि अगर इक्वेटर पे वेटलेसनेस हो जाए, इक्वेटर पे हमारे पास प्रॉब्लम में गिवन है कि देयर इज वेटलेसनेस, तो वेटलेसनेस का मतलब हुआ कि इक्वेटर पे जी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अगर जी की वैल्यू जीरो हो गई इक्वेटर पे तो हमें पता है ये वैल्यू कितनी होती है, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जीरो, देयरफॉर इट बिकम जी इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, एंड देयरफॉर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाई आर। अब यहां से हम सॉल्व कर सकते हैं, ओमेगा कम्स आउट टू बी अंडर रूट ऑफ जी बाई आर, ओमेगा इज 2π/T इज इक्वल टू अंडर रूट जी बाई आर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा देयरफॉर टी इज इक्वल टू 2π अंडर रूट आर बाई जी। अब यहाँ पे आर रेडियस ऑफ अर्थ है, जी यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो इस टाइम पीरियड को जब हम सॉल्व करते हैं इट कम्स आउट टू बी 84.6 मिनट। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि इफ देयर विल बी वेटलेसनेस एट इक्वेटर
देन टाइम पीरियड बिकम 84.6 मिनट। इसका एक आंसर और भी आता है कि जो ओमेगा है, अगर अर्थ की स्पीड जो अभी प्रेजेंट स्पीड है उससे 17 टाइम्स ज्यादा हो जाए तो उस केस में भी इक्वेटर पे वेटलेसनेस हो जाए। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा बनता है वो है सैटेलाइट, एंड सैटेलाइट आर द ऑब्जेक्ट्स व्हिच रिवॉल्व अराउंड द प्लेनेट जीरो। तो सैटेलाइट जब प्लेनेट के चारों ओर घूमता है तो उसके अपने रोटेशन की जो स्पीड होती है उसी को हम ऑर्बिटल स्पीड बोलते हैं या फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी हम उसको बोल सकते हैं। अब यहां पर आप देखेंगे कि अगर बाय द वे कोई सैटेलाइट यहां पर रिवॉल्व कर रहा है अपनी ऑर्बिट में है तो उसका ऑर्बिटल स्पीड कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो इजीली हम इस बात को चेक कर सकते हैं। यहां से यहां पे हमारे पास ये अर्थ है, अर्थ का मास m है और रेडियस कितना है, अर्थ का r है, और सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग हियर यहां पे। तो सैटेलाइट की जो हाइट है फ्रॉम अर्थ सरफेस इज h इज हियर। तो सैटेलाइट से रिलेटेड क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं स्टार्टिंग में जब हमने ग्रेविटेशन फोर्स की बात की थी। अब यहां पे कोई सैटेलाइट है, इट्स मास इज m, दिस सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग हियर, इसका जो वेलोसिटी है ऑर्बिटल वेलोसिटी vo, यही इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी है। आपको यह समझना है कि यह सर्कुलर पाथ में है, तो सर्कुलर पाथ में होने की वजह से इस पे डेफिनेटली एक सेंट्रीपेटल फोर्स एक्ट हो रहा होगा। तो जो सेंट्रीपेटल फोर्स लगेगा वो यहाँ पे ग्रेविटेशन अट्रैक्शन होगा जो टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ के लगेगा, ग्रेविटी का फोर्स। तो इन दिस वे द फोर्स सेंट्रीपेटल जो यहाँ पे होगा वो होगा ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। सेंट्रल फोर्स इज एम बी स्क्वायर बाई आर, यहाँ पे कितना हो जाएगा आर प्लस एच हो जाएगा, is equal to gmm by r plus h whole square। यहां से हम चेक करेंगे तो orbital velocity comes out to be under root of gm by r plus h। अगर आपको रिजल्ट याद नहीं भी है तो आप within 15 सेकंड इसको ड्राइव कर सकते हैं। अगर सैटेलाइट वेरी क्लोज है, अगर वेरी क्लोज सैटेलाइट हमारे पास होता है तो उस कंडीशन में r plus h may be written as simply r, और उस केस में जो gm हम यूज करते हैं एक बेसिक रिजल्ट हमारे पास होता है g is equal to gm by r square, in this way gm is equal to gr square। ये बहुत ज्यादा कॉमन रिजल्ट है, इसको हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज कर लेते हैं क्योंकि हमें r और g की वैल्यू नोन होती है। ये वैल्यूज हम यहां पुट करेंगे तो b orbital comes out to be under root of gm हो जाएगा gr square upon r plus h, की जगह में क्या आ जाएगा हमारे पास सिंपली r आ जाएगा। अब r से r कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा under root of gr। तो इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे इट कम्स आउट टू बी 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। ये ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है, लेकिन ध्यान रखना ये ऑर्बिटल वेलोसिटी तब है जब ये वेरी क्लोज है, अदरवाइज ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला आपका रहेगा अंडर रूट ऑफ gm / r + h। लेट यू कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। द टाइम पीरियड यू ऑल नो वेरी वेल इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब यहां पे डिस्टेंस कितने के बराबर हो रही है, 2 पाई r + h और वन रिवॉल्यूशन अपॉन ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी VO। अगर आप वैल्यू पुट करते हैं जो VO आपने अभी सॉल्व किया था अंडर रूट ऑफ gm / r + h, ये वैल्यू यहां पुट कर लेंगे, टाइम पीरियड कम्स आउट टू बी 2 पाई r + h रेस्ट पावर 3/2 अपॉन अंडर रूट ऑफ gm। एक रिजल्ट है टाइम पीरियड का, ये भी आपको याद होना चाहिए, और इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको ये याद रखना है कि t इज प्रोपोर्शनल टू r + h रेस्ट पावर 3/2। तो मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूं, t is proportional to small r raised power 3/2 squaring both side, t square proportional to r cube। एक डायरेक्ट रिजल्ट आप यूज कर सकते हैं रिलेशन ऑफ टाइम पीरियड विद दैट ऑफ द ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द गिवन सैटेलाइट। ये रिजल्ट हम मोस्टली यूज कर लेते हैं, मोस्टली क्वेश्चन इसी पे बनता है, ये डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है कि अगर सैटेलाइट वेरी क्लोज है, वही सिचुएशन जो हमने डिस्कस की थी अभी, तो उस केस में r plus h क्या हो जाएगा, r के बराबर हो जाएगा, तो उस केस में टाइम पीरियड कम्स आउट टू बी अगेन 2 पाई अंडर रूट r / g एंड दैट इज इक्वल टू 84.6 मिनट। एक यूनिवर्सल रिजल्ट है जो आप देखेंगे कि फोर प्लेसेस पे डायरेक्ट आंसर हमें यूज करना पड़ता है, वो आंसर आता है आपका 84.6 मिनट। ये दूसरी बार आपके सामने आंसर आया है। द नेक्स्ट टॉपिक इज जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। ये सैटेलाइट एक ऐसा होता है विच अपीयर्स स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू अ प्लेस ऑन अर्थ सरफेस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस सैटेलाइट को अर्थ के किसी प्लेस से देखते हैं तो ये अपनी जगह पर ही दिखता है, वहीं पे अपीयर होगा। अर्थ का जो रोटेशन है वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में है, तो इस सैटेलाइट को भी वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में ही रोटेट होना है, पहली कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, जितने टाइम में अर्थ एक रिवोल्यूशन पूरा करता है अपने एक्सिस पे,
पूरा कंप्लीट रोटेशन होता है, उतने टाइम में ही इस सैटेलाइट का एक रोटेशन पूरा होना चाहिए, यानी टाइम पीरियड मस्ट बी इक्वल टू 24 आवर। और हम इसकी अगर हाइट की बात करते हैं तो इसकी हाइट अर्थ सरफेस से अप्रोक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर होती है। ये तीन बेसिक रिजल्ट आपको याद रखने हैं रिगार्डिंग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। और सेंटर से लेकर के और इसकी जो ऑर्बिटल रेडियस होती है उसको हम लिख सकते हैं, जो आर प्लस एच होता है, इट मे बी रिटन एज अप्रोक्सीमेटली, इट इज हियर आर प्लस और एच को हम 6 आर ले सकते हैं, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 7 आर। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए ऑर्बिटल रेडियस की वैल्यू हम 7 आर कंसिडर कर सकते हैं, रफ रिजल्ट है जिसको हम इसी न्यूमेरिकल में अप्रोक्सीमेट आंसर के लिए यूज कर सकते हैं। इनके जो यूजेस हैं कम्युनिकेशन में, वेदर फोरकास्टिंग में और स्पेस शटल प्रोग्राम में इनका हम यूज करते हैं। जितने बेसिक पॉइंट्स आज हमने कवर किए हैं, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और तीसरा सैटेलाइट, तो इनसे रिलेटेड जो डिफरेंट क्वेश्चन कंपटीशन में आए हैं या जिस टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको हम प्रैक्टिस कर सकते हैं।